कितना टाइम हो गया मैं बिना पानी के भाई? ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे होने वाले हैं अब तो। हाँ पानी भर लो। देख टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया अभी हमारे पास 9:15 हो रहे ना। हम चलेंगे अब 10 बजे तक चलेंगे हम, और पहला स्टेशन आएगा अपना क्या आएगा, पहला आएगा कुफरी, वहाँ पानी मिलेगा। बाइक नीचे पार कर ली, हेलो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो? I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways 100 times with the same soul. Tell me, कहाँ पहुँचे हम? मतलब गैस कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ कुफरी है ऐसे ये। और अभी जरा साइट है कुफरी शिमला वाली नहीं है। अरे हिमाचल में कितनी जगह होगी कुफरी नाम की? क्या बोलते ब्रो, दूध ले चलते हैं यहाँ से, पानी मिल जाएंगे आगे। और कुफरी कितना है? कुफरी कितना है? कुफरी मिल जाना पानी पर जोर पे पाते थी। कितने हैं, कितने हैं जगह नाम बोलना। तुंगल तुम तुंगल आई बड़ा दिक्कत। पी लेते हैं अभी थोड़ा सा। हां टास्क को किया हूंगा आन बान शान लाड़ी पूरी जान पहाड़ी टोपी आसरे शान। हां ये लकड़ी मिल गई ना ऊपर। नोप सलवार बट सर मोटे सो Do you ever try to puff on the right side? Put it up in your mind. क्या नाम तेरा? लियाकत अली। लियाकत अली कहाँ करते रहे? संगलवार। ये भी संगलवार रहा? मेरे दादू का लड़का है। अच्छा कजिन है तेरा ये? चल ठीक है। But do you ever try to puff on the left side? Put it up in your mind. अभी बीच रास्ते में हम हाल्ट लिया हुआ थोड़ा सा। और क्या टाइम हुआ अभी अजू? 32। कितने? 32 10:32 10:30 हो रहे हैं। और अभी हमारा ब्रंच तैयार करने के लिए रख रहे हैं। ब्रंच की ब्रंच तबर थोड़ा जल्द मैं करना कार की थी ना भाई, आज फुल मैंने जाना थी ना ये। तो इस लुपड़ी से ऐसा होगा कि आग में ये काला नहीं होगा, और जब उसको साफ करेंगे इजीली साफ हो जाएगा ना ये। और हमारा चूल्हा लियाओ कुकर हो गया अब ज़्यादा। और अभी करीब करीब हम आ गए 4 किलोमीटर अपने जहाँ पे अपने हमने बाइक के पार्क करी हुई है। और 4 किलोमीटर ऐसा नहीं था कि स्ट्रेट था, और इसमें चढ़ाई थी कितनी, काफ़ी चढ़ाई थी है ना, बीच में था बस जहाँ पे वो थोड़े घर थे। बस अभी यहाँ पे दाल चावल बनेंगे, दाल चावल के बाद ऐसा है कि हमने सारा अपना जो खाना है खाने का सामान है दाल चावल हो गया हमने कैरी कर रखा है, और जैसे जो नॉन वेज वगैरह है वो भी कैरी कर रखा है। तो ये सुबह से पहला स्टॉप भी है, और हाँ पहला स्टॉप भी हमने 4 किलोमीटर के बाद ही ले रहे हैं। और मेन ऐसे ट्रैक पे ये दिक्कत होती कि आपको बीच में एक तो दुकान 4 पाउंड फुट था बाकी जो बाइक पे है वो तो एक्स्ट्रा कैरी रॉन्ग टर्न हो गया था वो अलग बात है। फिर ऐसे वाले लोकेशन में आपको दुकानें नहीं मिलेगी और आपको पूरा सामान अपना ही कैरी करना पड़ेगा। सो हमारे हमने प्याज भी अपना ही कैरी करा हुआ है, तेल भी, मतलब छोटी से छोटी चीज़, और पानी भी कहाँ है। और पानी सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है क्योंकि पानी एटलीस्ट आपको 5 से 10 लीटर चाहिए एक टाइम का खाना बनाने के लिए, तो उसका लोड काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बस अभी हमने पानी भी साथ में ही कैरी करा हुआ है अपना ही, इसके बाद हमें पानी थोड़ा ऊपर मिलेगा सो ये हमको श्योर है। तो कभी भी ऐसा जाने से पहले हमेशा प्लान कर रखें। सो बस खाना बना रहे हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Hey,
सब कुछ हम छोड़ दो ये सब प्लेटों पर ले हां ये भी सही बोल रहे है ना चल लो अपने जगह ये कुत्ता को बांध दो चाव ले क्या भाई जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये वाला जो बेट है ये सीधा ही है सीधी ही चढ़ाई है और ऑन द वे क्या खा रहे है तू ड्राई गुड तो खा ना भाई जी गाइड हो आप क्या या आई एम अ गाइड टू अ ट्रेजर ऑफ 10 रुपीस या ऊपर चले जाओ तब आप Do it. Top of the world. Eh? Oh. Chal aage se dikh jayega. हाँ मतलब यही है वो शायद है ना ये वो दो तड़बे ना बट वी विल स्किप दैट अजू कितना टाइम हो गया मैं बिना पानी के भाई ऑलमोस्ट 4-5 घंटे होने वाले हैं अब तो सो गाइस पानी के बिना 4-5 घंटे हो गए हैं और बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुके हैं इस टाइम पे और लग रहा है कि नीचे पानी है ये है कुछ व्यू इस तरह से वहाँ लगाएंगे हम टेंट कित वो सामने आके पानी के आसपास ही लगाएंगे रहा चलो तुम नीचे चलो सो गाइस यहाँ पे पानी की उम्मीद है पूरी पूरी भर ले बोतल पानी की बाएं ओ पानी की बाएं सामने जानवर देख जानवर की गायें पेड़ों में अक्सर खोने का डर रहता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस पानी को पी लूं बट ऐसे टाइम पे ये पानी नहीं पीना चाहिए इससे डायरिया की बीमारी से आपकी मौत हो सकती है क्यों अजय जी ये पानी हो गया पानी हो गया तेरे जी ये सारा पानी हो गया देख रहा भी सही का है पानी आना पा कर बात तो लगा तो देर में जानवर मर रहे थे पानी ले और अजू ये तू रॉन्ग टर्न वाली बातें कर रहा है और ये जो नई बीमारियां पैदा होती है ऐसे पानी को पीने से होती है दो दिन में लुढ़क जाएगा रे मूल का पानी था ठीक है पानी हो रहा है बेस्ट है इफ यू विल आई विल इफ यू डोंट सो फाइनली अभी पानी मिल गया यहाँ पे तो बॉटल वगैरह भर के हम अभी टेंट वगैरह लगाएंगे टाइम कितना हुआ टाइम एक मिनट टाइम हो गया है 5 बजे पूरे
और अभी हम जाएंगे लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करेंगे, उसके बाद टेंट वगैरह लगा के शाम के खाने की तैयारी। और सूरज बिल्कुल ढलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे पहाड़ी क्रॉस करके हम आगे वाली साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे सनसेट होने से पहले अपने को टेंट लगाना होगा। सो या लेट्स गो। और यहाँ पे धीरे धीरे ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गई है, दिन में इतना पता नहीं चलता बट जैसे ही यू नो सनसेट होने लगता है तो वैसे ही फटनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम सभी ने मैक्सिमम गर्म कपड़े पहन लिए हैं। सो बस वहाँ सामने हम करेंगे कैंप और लकड़ी काटनी पड़ेगी जंगल से और पानी लेना पड़ेगा यहाँ से। और ये है व्यू। Amazing. So guys, this is our spot. और यहाँ पे already ही lucky spot हमारे लिए कोई काम करके गया पहले यहाँ पे। चूल्हे बने हुए हैं। वो काम तो कर गया। Stay strong kings. Thanks to the legends. नहीं नहीं ये लगा दे टेंट ना अभी के लिए। चल अभी लगा लेते हैं यहाँ पे ना। ज़्यादा हवा होगी तो क्या करेंगे? नीचे वाली चल जाएंगे, नीचे थोड़ी हवा कम होगी। नीचे स्लोप के नीचे देखकर राजा पुराना स्पॉट है यहाँ पे। ज़्यादा दिक्कत होगी तो टेंट उठा के पूरा पूरा शिफ्ट कर देंगे नीचे। ये देख उस वाला स्पॉट देख सामने। चल हाँ चलिए यहीं लगा देंगे। बाकी मतलब चिल करने के लिए ये जगह बढ़िया है। संतरे की बोतलें भी गिरी हुई है नीचे। ओ जीज असल रिस्पेक्ट ओ जीज। सो गाइस नाउ वी आर पिचिंग आवर टेंट। बैग बुक कर दो साड़ा। ये वाला एरिया ठीक है, ये साफ है, ये मतलब है ना। अजू कौन सा एरिया ठीक है? ये वाला यही ठीक है। पहले खाना बना लेते हैं, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई तो। क्योंकि सांस भी कभी मतलब हायरिंग भाई एक बार आप क्योंकि सांस भी पर स्पाइर रख रहा पूरा ख्याल दे रहा देख अंदर बराबर। अरे गंदगी ना, इंसान की सोच गंदी ना होनी चाहिए तेरा। तो गाइस अभी चिकन बन रहा है यहाँ पे और ये अग्नि जली हुई है अपनी और ये हमारा लकड़ी का स्टॉक, ये तंबू। मॉर्निंग सीन्स, ये पहाड़ी है, ये चढ़नी है अपने को अभी। और इस वाली पहाड़ी में अभी सबसे पहले धूप आ गई है, दूसरी वाली साइड पे भी धूप पहुंची भी नहीं होगी। और वहाँ पे बकरियाँ और ये हाथीपुर। बस अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पैक करेंगे और पानी ख़त्म हो गया और पानी के लिए अपने बंदे गए हैं। और रात अच्छी रही, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी। और अपने स्लीपिंग बैग भी अच्छे से काम कर गए। और अंदर का सिनारियो ऐसा है, ये वाला स्लीपिंग बैग था डिकैथलॉन से, ये लिया था मोटोडॉग ने। और ये मेरे वाला था वाइल्ड क्राफ्ट वाला, ये थोड़ा लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ऐसे मौसम गर्मियों में ठीक है बट सर्दियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई थिंक 10 डिग्री सेल्सियस तक
टेम्परेचर तक ठीक है, उससे नीचे आई विल नॉट रिकमेंड दिस। ये एक देसी स्लीपिंग बैग जो काफ़ी हैवी था और काफ़ी गर्म भी, बट इनको उठाना एक टास्क होता है बहुत। और लास्ट में आता है अभी शीतल वाला कॉलिमॉन वाला, ये भी एक मीडियम मीडियम ही है, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस तक ही ठीक है, सर्दियों के लिए तो हैवी स्टफ। सो गाइस इट्स टाइम टू पैक अप एंड पैकिंग हो रही है। आई थिंक टेंट थोड़ा भारी हो गया होगा क्योंकि इस पे ओस जमी हुई है, और आई थिंक हमारे लगेज काफ़ी हल्का हो गया होगा अभी। सो गाइस ये वाली पीछे वाली पहाड़ी चढ़नी है अभी हमने, और जाड़ा पाट जाएगा जिस हिसाब से दिख रही है, और ये काफ़ी स्टीप है मोईचीच है। यहाँ से जाने का वैसे मन नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे खाने की सोर्सेज बहुत कम है, ना यहाँ पे कोई दुकान मिलेगी, ना राशन की, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी होगा, जो आप अपने साथ लेके आओगे वही होगा। सो नाउ वी आर शॉर्ट ऑन आवर फूड, सो या वी हैव टू लीव इट, सो लेट्स स्टार्ट द हाइक। खुद को जाने ना तू दिल क्या सच और क्या फसाने ले भैया अब तू समझाना जाने ना तू क्यों जाना तू तो गाइस ये पहाड़ उतर लिया हमने, ये सामने वाला पहाड़ है, यहाँ से ऊपर चले गए थे हम पूरा आगे तक। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसी तरह हमारी हाइकिंग खत्म होती हुई, अभी अपनी बाइकों के पास पहुंच जाएंगे हम आधे घंटे में, और बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।